हमारे खुकरी वॉरशिप को पाकिस्तानी पनडुब्बी ने तारपीड़ों से हमला किया और हमले में हमारी खुकरी वॉरशिप का नीचे की जो टंकी फट गई। खुकरी वॉरशिप पर जो हमला किया उसी का बदला लेते हुए 24 घंटे के अंदर भारत ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। और नमस्कार गाइस, एक और नई जर्नी, एक और नए डेस्टिनेशन के आज के फ्रेश व्लॉग में मैं राजू गामित मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गाइस, इस वक्त मैं दीव दमन और दादरा नगर हवेली के दीव में हूं। तो गाइस, इस वक्त दीव में हम पहली बार सेंट पॉल चर्च के पटागण में आ पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंट पॉल चर्च का ये पूरा नज़ारा। इस प्रकार का ये गोथिक शैली में पूरा चर्च का निर्माण हुआ है। तो गाइस, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस चर्च का निर्माण पोर्टुगीजों के द्वारा सन 1601 में ये चर्च का बांधकाम शुरू हुआ था और 1610 में पूरे 10 साल के अंदर बन के ये चर्च तैयार हो गया था। तो बहुत भव्य और गोथिक शैली में ये चर्च का निर्माण हुआ है। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो गाइस मैं फ़ोटो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ इस प्रकार का ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। और सामने एक छोटा सा गार्डन भी है। हेतवी और उसकी मम्मी के साथ दोनों चर्च में गए हैं। चर्च के इस पटांगण से आज दीव का वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। चर्च विजिट करने के बाद कुछ अलग ही अट्रैक्शन पर हम चलेंगे, लेकिन पहले चर्च के अंदर जाते हैं और अंदर कुछ प्रेयर करने के बाद आगे का वीडियो हम शूट करेंगे। तो गाइस, इस प्कार का ये पूरा नजारा। तो गाइस, चर्च विजिट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पर भी एक छोटा सा चर्च का एक प्रारूप बना हुआ है। सामने जीसस क्राइस्ट का एक छोटी सी प्रतिमा है। तो इस प्रकार का ये पूरा चर्च का व्यू है। इस वक्त बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी हम खुकरी मेमोरियल का विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो खुकरी ये समुद्र के तट पर बसा हुआ एक वॉरशिप का एक छोटा मॉडल रखा हुआ है। तो वहाँ पहुँचकर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल गाइस, खुकरी वॉरशिप मेमोरियल का विजिट करने के लिए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन नेवल शिप खुकरी का यहाँ पर एक छोटा प्रारूप रखा हुआ है, जो कि खुकरी वॉर में जो हमारे 194 सिपाही शहीद थे, इन सभी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मेन कैप्टन था महेंद्र नाथ मुल्ला, जो कि खुकरी वॉरशिप का मेन कैप्टन था। जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसी वॉर में जो INS खुकरी शिप दीव समुद्र में शहीद हुई थी, हमारे सैनिक उस खुकरी शिप में शहीद हुए थे और सभी खुकरी वॉरशिप के साथ समुद्र में समा गए थे और अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो इन सभी का नाम यहां पर लिखा हुआ है। और खुकरी वॉरशिप जो दीव समुद्र में शहीद हुई थी, उस खुकरी वॉरशिप का भी ऊपर छोटी सी टेकरी है, उसी टेकरी के ऊपर छोटा सा प्रारूप रखा हुआ है। तो इस छोटा सा प्रारूप को देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं। गाइस, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जब वॉर हुआ था, उसी वॉर में पाकिस्तान की जो पनडुब्बी थी, उन्होंने तारपीड़ों से इंडियन खुकरी वॉरशिप पर हमला किया था और उसी हमले में ये खुकरी वॉरशिप वहाँ पर शहीद हुई थी। और इस प्रकार का यहाँ की हिस्ट्री है, ये दीव समुद्र का पूरा नज़ारा। तो गाइस, ये जगह पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये दीव से अलग ही अट्रैक्शन पर ये नया टूरिस्ट पॉइंट को डेवलप किया हुआ है।
और गाइस ऊपर तक पहुंचने के लिए आप ये इलेक्ट्रिक कार के जरिए भी आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर पूरा टूरिस्ट पॉइंट को विकसित किया हुआ है। चलो आओ, बहुत ही सुंदर जगह है गाइस, आप भी अपने फैमिली के साथ आइए और यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस हमारे कुकरी वॉरशिप को पाकिस्तानी पनडुब्बी ने तारपीड़ों से हमला किया और हमले में हमारे कुकरी वॉरशिप का नीचे की जो टंकी फट गई और उसमें पानी भरने लगा। तो सभी को हमारे कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने सभी को अलर्ट कर दिया और खुद सिगरेट पीते रहे और सबको बचाने में लगे। और लास्ट में उन्होंने भी ये फैसला किया कि आईएनएस कुकरी के साथ ये अपने आप को शहीद करने का सोचा। और सभी सैनिकों के साथ महेंद्रनाथ मुल्ला भी इस वॉर में शहीद हो गए। तो इस प्रकार का उस हिस्ट्री है। सामने ऊपर टेकरी पर ये छोटा सा प्रारूप आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम पहुँचेंगे ये इलेक्ट्रिक कार के जरिए। चलते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक कार में बैठ के ऊपर तक जाने में पर पर्सन 50 रुपीस का चार्जेस है, तो अभी हम उसमें बैठ के जाएंगे। फिलहाल हेतवी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ गई है और कुकरी वर्सिप का विजिट के लिए हम अभी निकल पड़े हैं। ओए होए होए, फाइनली गाइस इस वक्त हम कुकरी वॉरशिप का जो छोटा सा प्रारूप दीव के समुद्र में शहीद हुआ था उसी का मॉडल को देखने के लिए हम आ पहुंचे हैं। गाइस इस प्रकार का ये आईएनएस कुकरी वॉरशिप का जो मॉडल हमारे इंडिया के जो महेंद्रनाथ मुल्ला के नेतृत्व में शहीद हुआ था, यहाँ से दीव समुद्र में 150 किलोमीटर की गहराई अंदर में ये पूरा शहीद हुआ था। सभी हमारे 194 हमारे सैनिक इस वॉरशिप में शहीद हुए थे। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये कांच का जो पूरा पैक करके यहाँ पर उस वॉरशिप को रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है कुकरी वॉरशिप का, ये जगह बहुत ही सुंदर है, आप भी यहाँ आ सकते हैं। तो गाइस पाकिस्तान की जो पनडुब्बी ने जो भी कुकरी वॉरशिप पर जो हमला किया उसी का बदला लेते हुए 24 घंटे के अंदर भारत ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और कराची को धस नहस कर दिया था। तो इस प्रकार का उसका वॉरशिप का बदला भी लिया था। तो आप भी अपने फैमिली के साथ यहां पर आ सकते हैं और इस कुकरी वॉरशिप का आप विजिट कर सकते हैं। कुकरी वॉरशिप के जो जगह है उसी के ठीक नीचे में एक सुंदर जगह बनी हुई है जो कि यहाँ पर कुछ स्टेज शो भी होता हुआ होगा। बैठने के लिए प्रॉपर यहाँ पर जगह बनी हुई है और सामने नीचे स्टेज शो है। तो यहाँ पर शाम को बहुत अच्छा अच्छा कुछ प्रोग्राम भी यहाँ पर होता हुआ होगा। तो गैस अभी हम नीचे में चलते हैं और नीचे का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। गाइस बहुत अच्छा मजा आ रहा है यहाँ पे सनसेट देखने का, तो कितना मजा आता होगा गाइस। हाँ सनसेट
सनसेट भी अच्छा दिखता होगा। शाम को बहुत अच्छा नजारा देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो गाइस नीचे में इस प्रकार का ये पूरा बीच है, आप नीचे भी आप जा सकते हैं और फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस खुकरी वर्शिप का मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो भाई दोस्तों, जय हिंद जय भारत।